वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से मैग्रिडल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। या हमारे पास आधा पाउंड चिकन का कीमा है, आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं, यानी 250 ग्राम के आसपास। तो इसमें अब हम कुछ मिर्च मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूं है कि आधा टीस्पून अनियन का पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो छोटा सा अनियन ग्रेट करके डाल सकते हैं, आधा टीस्पून गार्लिक का पाउडर, एक जवा लहसुन का डाल सकते हैं, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून इटालियन सीजनिंग, अगर आपके पास ना हो तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप करें, आधा टीस्पून नमक और क्वार्टर टीस्पून ज़ीरा पाउडर, तो ये डाल देंगे इसमें, सिंपल और झटपट। और साथ ही इसमें अब हम डालेंगे एक टेबलस्पून चिली सॉस, हॉट सॉस, आपकी पसंद का कोई भी, मेरा तापतियो है। और साथ ही इसमें डाल देंगे दो टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए, अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलें इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। अब इसमें हम एक टीस्पून के आसपास तेल डालते हैं। और यहाँ देखिए मेरे पास एक पैन है जो कि थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, जो कि मैंने मीडियम हाई पे चूल्हा रखा है। इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास तेल, और इसकी हम छोटे छोटे पैटी बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो पहले ये बॉल बना लेते हैं। छोटे वाले बिल्कुल बेबी कोफ्ते होते हैं ना, वो है ये। तो ये हमारे 8 बॉल बन गए हैं। अब इसको बेसिकली कुछ करना ही नहीं है, ये यूं कबाब बन गई, एक ज़रा सा मारा बेचारे को तो बस चपटा कर करके और अपने पैन में डालते जाएंगे। तो बस ये लास्ट भी हमारा हो गया। इसको पलटेंगे, जो जो एजेस से वाइट हो गए हैं उसको सबसे पहले पलटेंगे। तो ये देखें ये एज से वाइट हो गया है, इसको पलट देंगे। जो हमने पलटे हैं ना उसके ऊपर हम चीज़ रख देंगे। तो ये क्राफ्ट की जो चीज़ होती है उसको मैंने थोड़ा सा आधा कर दिया है, क्योंकि पैटी बड़े छोटे छोटे हैं, तब हम क्या करेंगे आधी लेंगे और इसको पैटी पे डाल देंगे इस तरह से। चिकन के पैटी है बहुत छोटे हैं, बहुत पतले हैं, बहुत ही जल्दी बनेंगे। चले ये भी वाइट हो गए, इनको भी टर्न कर देते हैं। और अगर आपके पास चीज नहीं है या पसंद नहीं है तब स्किप भी कर सकते हैं, एक्चुअली होती है इसलिए मैंने डाली है और हमारी फैमिली में सबको पसंद है, लेकिन अगर आप ना डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पिज्जा की तरह नहीं है कि जरूरी है। तो
चले अब हम क्या करते हैं, चूल्हे को करते हैं स्लो और झटपट एक पैनकेक का बैटर बनाते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक बोल है, इसमें हम डालेंगे एक अंडा, साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून शुगर, इसको मिला लेंगे। चूल्हा इस तरह से कर देंगे कि जो चीज़ मेल्ट हो गई है उसकी तरफ से हटा देते हैं चूल्हा, और मेन फोकस जो मेल्ट नहीं हुई उसके ऊपर रखा है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया अंडा और शुगर। तब इसमें हम डालेंगे मैदा, जो कि सिप करके डालेंगे, 1 कप है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, जिससे केक बनता है ना, 3/4 टीस्पून है ये डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून नमक, इन सबको छान लेंगे। देखिए यहाँ चीज़ जो है सब मेल्ट हो गई है, तो चूल्हे को करते हैं बंद और ये पैन यहाँ रख देते हैं, और बड़ा वाला पैन मेरे पास ले लेते हैं और उसका चूल्हा ऑन कर देते हैं मीडियम पे। इसको मिक्स करते हैं और यहाँ मेरे पास है 3/4 कप दूध, इसको डालते हैं और मिलाते जाते हैं। एकदम से सारा नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि स्मूथ सा बैटर बनेगा एकदम। चले अब जो बचा है वो सारा डाल देते हैं। तो ये देखें स्मूथ और अच्छा सा हो गया। तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, ताकि हमारे पैनकेक बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से मज़ेदार से बने। और अगर किसी को बटर डालना है तो बटर भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। तो ये हमारा पैनकेक का बैटर बन गया और पैन जो है उस पर हीट हल्का हल्का आना शुरू हो गई है। अब हम छोटे छोटे पैनकेक्स बनाएंगे हमारी कटलेट के साइज़ के आसपास। तो 1 टेबलस्पून ले लेते हैं और ये डालते हैं। अब टॉप पे हल्के हल्के जब बबल आएंगे ना उसका वेट करते हैं। तो ये देखें जो जो बबल 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 हो गया है उसको हम पलट लेते हैं और कितना खूबसूरत देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस साइड पे भी हम इतना ही पकाएंगे ताकि सेम कलर हो जाए। तो बस अब ये वाले जो हैं इनमें हम डालेंगे पैटी और इसको कवर करेंगे इस तरह से। ये वाले में भी डालेंगे। ये वाले को पलटते हैं, ये देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया। तो बस इनको कोने पे कर देते हैं और इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। है ना कितना फन, इजी और इतना ही मजेदार। तो चले इसको भी पलट लेते हैं और इस पे भी पैटी डाल देते हैं। कन लगा देते हैं। तो चले जो जो हो गए हैं उनको निकालते जाते हैं। तो देखा कैसे हमारे झटपट मुन्ने मुन्ने क्यूटी क्यूटी से मैग्रेडल बन गए। बच्चे बेखोश लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप शाम को भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस पे मेपल सिरप भी डालते हैं, पैनकेक सिरप भी डालते हैं, हनी भी डालते हैं, और मेरे जैसे हॉट सॉस और कैचअप भी डालते हैं।
और कभी ऐसे ही खा लेते हैं। तो चॉइस इज योर्स, आप लोग को जो भी डालना हो डालें, ऐसे ही खाएं, मज़े करें। और मैं ट्राई करके बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर ऑसम। ये कम्फी फूड में इसका ताल्लुक हो जाता है। मज़े से लेके दो चार बैठ जाओ, चाय हो या सोडा हो या जो भी आपकी पसंद की ड्रिंक हो, लाइट लाइट, बिल्कुल भी हैवी नहीं है और मज़ेदार है। फ्लेवर इतना अच्छा है पैटी का, ये आप लोग के लिए। ये देखें कितना कंफर्टेबल है और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। सारी चीज़ें घर में मौजूद है और यूँ बन गए। और अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े वाले भी बना लें, लेकिन होते मैकडॉनल्ड पे यही वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।